तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र से, जहां सराफा व्यापारी के कर्मचारियों द्वारा चोरी किए गए 70 लाख रुपए में से 62 लाख रुपए पुलिस ने नगद बरामद कर लिया है। पकड़े गए कर्मचारियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक रीवा के निवासी दिलीप सोनी जो सराफा कारोबारी हैं, उनके कर्मचारियों द्वारा बीते 27 अगस्त को 70 लाख रुपए और वैगनआर कार रहस्यमय तरीके से पार कर दिया गया था, जिसके बाद इसकी शिकायत पीड़ित दिलीप सोनी द्वारा समान थाने में दर्ज कराई गई थी। समान थाना प्रभारी जेपी पटेल ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जांच करते हुए मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 62,200 रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि मामले में अभी एक आरोपी फरार है जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बताया गया है कि पुलिस ने दिलीप सोनी के कर्मचारी अरविंद सोनी निवासी महाजन टोला, मुकेश सोनी निवासी बांसा थाना गोविंदगढ़ सहित उसके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अंकित साकेत निवासी कुल्लू थाना सिमरिया फिलहाल फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि बाकी के बचे हुए रुपए सहित कार अंकित साकेत के पास हो सकती है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सराफा व्यापारियों के अंदर हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बेहद ही गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले की जांच की और रहस्य खोलकर रख दिया है। फिलहाल दिलीप सोनी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 70 लाख रुपए में से 62,200 रुपए बरामद कर लिया है। यह चोरी की वारदात लगभग 13 दिन पूर्व हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस ने सराफा कारोबारी के कर्मचारियों द्वारा चोरी किए गए 70 लाख रुपए में से 62 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। मामले में फिलहाल एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है, जबकि 3 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है।